ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के हो रहे हैं 3:10। सो प्लान ये है कि 4 बजे मैं निकल जाऊंगा रोहित के घर के लिए एंड मैं और रोहित आज लोनावला जाने वाले। सो फाइनली ये साल एक राइड हो रहा है बिकॉज आई डोंट थिंक उसके पहले मैंने कुछ राइड किया और मेरे को याद भी नहीं है। एंड जैसे देख सकते हो थोड़ा बहुत अभी भी नींद में हो बिकॉज एक तो राइड का एक्साइटमेंट भी है कि भाई इतने टाइम के बाद राइड करने वाला हूँ एंड नींद भी पूरी नहीं हुई, हार्डली 2 या 3 घंटा सोया हूँ। सो थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं एंड अभी एक्चुअली सब डिवाइसेस चार्ज हो रहे हैं, एक बार दिखा देता हूँ। सो GoPro इधर चार्ज हो रहा है एंड 360 भी लेके जा रहा हूँ मैं। सो 360 कैमरा भी मैं लेके जाने वाला हूँ। सो देखते हैं अगर इंटरेस्टिंग शॉट्स मिलता है कि नहीं। एंड ऑल्सो लोनावला का मेरा श्योर नहीं है कि लोनावला जा सकते कि नहीं। टाइगर पॉइंट पे एक्चुअली नहीं जा पाएंगे बट लोनावला जा सकते हैं जहाँ तक मैंने सुना है। सो लेट्स सी कि इस बार जा पाएंगे कि नहीं एंड मिलता आप लोगों को सीधा बाइक पे। ओके बॉयज सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी, बाइक भी इधर है एंड आई गेस रोहित भाई साहब का मैसेज आ रहा है, फटाफट निकलते, थोड़ा डिले हो चुके हैं हम लोग। सो लेट्स गो गणपति बप्पा मोरिया, चलो बाय। सो डैड भी एक्चुअली जल्दी उठ जाते हैं, डैड का आदत है जल्दी उठना, लाइक सुबह सुबह अराउंड 4 o'clock डैड उठ जाते हैं। 4:17 हुआ है, थोड़ा लेट हो गया हूँ 17 मिनट, बट दैट्स फाइन एंड आई एम रियली सॉरी गाइस। इस बार भी मैंने माइक नहीं लगाया, माइक बाइक में ही है बट सिंस बारिश हो सकता है तो इसके लिए मैंने रिस्क नहीं लिया भाई, रिस्क नहीं लेने का बाबू भैया, रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बिकॉज एक ही GoPro है एंड वो भी अगर ख़राब हो जाएगा तो भाई थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा मेरा, तो इसके लिए रिस्क नहीं लिया मैंने और मैंने माइक नहीं अटैच किया हूँ। इन बैग में है अभी भी माइक, अगर फ्यूचर में लाइक किचन द सेंस आने के टाइम अगर देखा कि भाई ज़्यादा ही मतलब धूप वूप निकला है तो माइक अटैच कर लेंगे, बट अभी के लिए आई एम रियली सॉरी। सब टाइटल्स और थोड़ा पोस्ट एडिटिंग में नॉइस निकाल दूंगा मैं। लोनावला का ये बोलना चाहूँगा कि मेरा हर साल है, लास्ट 3 साल से एक रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड इन द सेंस मानसून में एक बार तो गया ही हूँ, तो इस बार भी मैं सोचा कि भाई अगर चांस मिले तो निकल जाते और ये स्ट्रीक को टूटने नहीं देते। सो दैट इज इट। ओके बॉयज सो वी आर रेडी राइट नाउ, द रोहित द अरुण्स राइड हुए तो देख बैक रेस, सॉरी उजाला ही उजाला, ऑफकोर्स वो लीड करना है बिकॉज उसके लाइट्स बहुत अच्छे, मैं पीछे रहूंगा। ओके बॉयज एंड गर्ल्स वी हैव क्रॉस्ड वाशी टोल नाका एंड सिंस आगे बारिश थोड़ा थोड़ा होने का चांसेस है तो मैं चांस नहीं ले रहा हूँ और मेरा जो टैंक बैग है उसमें कवर चढ़ाने के लिए हम लोग रुक गए अभी बिकॉज भाई रिस्क नहीं लेने का है। कैमरा वैमरा गियर्स आपके भाई आज कैरी कर रहा है और आज DSLR से ब्लॉग होगा ना कि GoPro से, तो देखते ट्राइंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले भी यूज़ किया DSLR जैसे नॉर्मल वीडियोस के लिए बट ब्लॉग के लिए नहीं यूज़ किया, स्पेशली फॉर ट्रैवलिंग। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। टैंक बैग का कवर लग चुका है, वाशी क्रॉस कर लिए, 4:45 हो गया, लेट्स सी। लोनावला टारगेट है 6 बजे ये करने के लिए। रोज चेक किया क्या सनराइज कब हो रहा है, ऐसा है यार चेक करने का। चलो चलो सर लोडेड। A few moments later. चलो ये ना बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग, मैं तो पहली बार ये रोड से आ रहा हूँ, दिस इज GMPD। पहले हम लोग उधर से आते थे कलमबोली सर्कल जो भी मारा हम लोग ने उधर से आते थे, बट दिस इज द न्यू रोड जो रोहित बताया एंड बोला कि इधर आराम से
मतलब बहुत अच्छे रोड थे एकदम मक्खन एंड क्या लाइट्स है, क्या लाइट्स और क्या ही चाहिए, क्या चाहिए मालूम है, ऑडियो माइक चाहिए। आई नो बहुत गंदा आवाज़ आता रहेगा नॉइस, बट सॉरी इस बार अटेंड कर लो। ओके सो अभी ना एक्चुअली आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, बट मेरे को ये एक्सपीरियंस शेयर करने का था कि अभी एक्चुअली आई गेस 5:50 या 5:30 हो रहेगा एंड बॉस जो क्लाइमेट है, इतना जो क्लाइमेट है अलग ही लेवल का, लाइक इतने टाइम बाद ऐसा एक्सपीरियंस करने मिल रहा है ना, मज़ा आ गया यार, लाइक लिटरली मज़ा आ गया था। आई कुड फील दैट कि यार इधर जो पीस है, जो ठंडा है, या बाइक में जो चलाते हुए जो फन में मिस कर रहा था ना, वो मेरे को याद आ गया यार। अलग आई लिटरली मिस दिस अ लॉट, लाइक अ लॉट। एंड मानो या ना मानो, मैं एक्चुअली जून में ना मैं एक्चुअली एक नया बाइक भी लेने वाला था, सोचा था कि ये साल थोड़े ट्रिप ट्रिप करूँगा, बट थैंक्स टू कोविड ये सब प्लान चौपट हो गया। एंड अभी तो मोस्टली नेक्स्ट वन ईयर तक आई डोंट थिंक आई विल बी बाइंग अ न्यू बाइक, सो या दैट इज इट। मॉर्निंग हो गई है बॉयस, सूरज देवता प्रकट हो गए होने वाले अभी थोड़े टाइम में, बट आई कांट सी ऐसे सनराइज पॉइंट तो नहीं दिख रहा है बिकॉज बादल से घिरा हुआ है पूरा। सो ऑफिशियल लोनावला अभी और 4 किलोमीटर के बाद चालू हो जाएगा, अभी तक हम लोग खंडाला में, सो दिस इज खंडाला। ओके सो वी आर हियर इन लोनावला, अभी तक तो किधर भी ऐसे नाकाबंदी वो सब तो नहीं है, शायद से इधर होने वाला है। यस गाड़ी रिवर्स लिया जा रहा है, नहीं नहीं लिया जा रहा है, सो अभी तक का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, एक किधर भी रोक टोक तो नहीं हो रहा है। लेट्स सी अगर जाने दे रहे हैं कि नहीं। वाह क्या व्यू है, क्या लगता है आगे पकड़ने वाले हैं लोग? हाँ ये ब्रिज है ना, ब्रिज, हाँ ब्रिज पे रुकते आगे, रिस्क मत। तेरा कुछ गिरा क्या नीचे? ग्लव्स, अरे आगे तक जाते ना अगर हुआ तो, वाह रिस्क नहीं लेने का बाबा, बाइक देख के ना फिर वो सीज वीज कर सकते हो लोग, इसीलिए सीज क्या कर सकते हैं। अरे ये है ना, अरे ये भी तो जा रहा है,
पहली बार मैं लोनावला में इतना खाली देख रहा हूँ, लाइक कोई खाने पीने का सामान नहीं एंड पीपल आर जस्ट वॉकिंग मॉर्निंग वॉक. वो बंदा भी रुक गया है, वो बंदा भी रुक गया उधर आगे. चाय वाले के यहाँ पे रुकते क्या? चाय वाला है ना उधर? अरे है ना उधर कोने में, क्या है बड़ी टाइगर पहुंच जाने वाले हो? आप भी जाने का? हाँ प्लान तो वही है बट शायद से बंद रहेगा ना. ओपन जल्दी जाके आ सकते, नो पुलिस का कुछ रिकॉर्ड मिल नहीं रहेगा. कितने बजे गए कॉप्स का बोल रहे हो? मतलब अभी कोई पुलिस वाले भी नहीं रहेगा बट फिर ऐसा सीज वीज का तो नहीं होगा ना बाइक सीज? नहीं वो डर रहा है करके इसके लिए. हाँ इधर कोड बोर्ड वोर्ड भी नहीं था ना? बोर्ड वोर्ड भी नहीं था ना? अरे बोला कुछ सीन नहीं होगा. हाँ? बोला अभी कॉप्स ऑफ चेयर होता होता तो उन लोग रुका देते पहले. क्या मालूम रिस्क तो लग रहा है मेरे को. अरे क्या रिस्क लग रहा है, इसका फोटोग्राफी चालू अलग. वो पूछ के क्या आ रहे हो क्या करके? वो अकेला आया है क्या? क्या करने का है भाई? ऊपर जा सकते हैं क्या? आने के टाइम, आने के टाइम क्या बोला हो? 10 बजे के पहले वापस आने का क्या बोला हो? हाँ चल रहा है फिर. रोहित की ज्यादा पटी है. बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है. सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है. छिप छिपाए ऐसी जी हम न पाए. ओके सो फाइनली वी आर हियर एंड ये भाई साहब की थोड़ी फट रही थी बिकॉज इधर ऊपर तक आने के लिए परमिशन है कि नहीं ऐसे मालूम नहीं किसी को. सो या एंड लुक एट द फॉग मैन, क्या फॉग है.
एंड अगर ध्यान से, अगर आप लोगों को तो आवाज़ आएगा कि नहीं मालूम नहीं, बट ध्यान से अगर आप सुनोगे ना तो पानी का आवाज़ आ रहा है। ध्यान से सुनो, मैंने ऐसा पीस बहुत टाइम से चाहिए था, बट लॉकडाउन एंड डे टू डे लाइफ में भाई पिस गया था, सच्ची में पिस गया था। आपका क्या कहना है सर? मेरा क्या कहना है यार, अभी ज़रूरत है सबको, ये चीज़ की ज़रूरत है। क्या फुटेज आ रहा है यार, प्यार हो गया मेरे को, देख क्या कलर्स आ रहा है, व्यू देखो भाई व्यू। एंड उधर बाइक्स एक्चुअली हम लोग रोड पे ही छोड़ के आए, लाइक पहले इधर ना लोनावला में एक्चुअली पार्किंग जैसे एक रहता था तो सब गेट्स बंद है, तो जो मेन रोड है उधर ही सब लोग पार्क किए और हम लोग ने भी मेन रोड पे ही पार्क कर दिए। टेंशन हो रहा है बाइक को लेकर? वो तो रहा है, अभी पता नहीं कभी भी कॉप्स आ सकते हैं इसीलिए। हाँ एक्चुअली हम लोग ने नीचे पूछा था तो उन लोग ने बोला कि जल्दी आके जल्दी आ जाओ, ऐसे 10 बजे के पहले आ जाओगे तो कुछ इशू नहीं होगा। सो दैट्स इट, सनराइज उधर हो रहा है एंड फॉग बहुत सही फॉग इधर, लाइक जन्नत ब्रो, फीलिंग आया, अलग ही लेवल का फीलिंग आ रहा है। स्टोरी डाल रहा था क्या? मैं स्टोरी डाल रहा था, बोल रहा हूँ इसका तो अलग ही चल रहा है। ऐसे एरिया में भी 4G मिल रहा है और क्या ही चाहिए लोगों को। हाथ दुख रहा अभी, इधर इधर ये साइड, जब कोरोना सब जाएगा ना यहाँ पे आके बैठेंगे, पिकनिक करेंगे। दिस वी डिडंट नो अबाउट दिस स्पॉट बिफोर। चल सेट है, तो किधर LCD भी देख रहा है कि लेंस पे देख रहा है? मैं इधर उधर हर जगह पे देख रहा हूँ, लेंस पे देख के बात करने का, तो ऐसे ऑडियंस के साथ कनेक्टेड फील हो। चलो बाइक से आते, एक्चुअली मैंने ना कॉफ़ी बना के घर से लेके आया था, इधर पीने का सही ये रहेगा, बट सिंस बाइक्स उधर है तो इसको निकलने का है, तो हम लोग कोई और जो स्पॉट जाके कॉफ़ी पीते हैं। इधर ही पीने का और जगह पीते ना, दिल का धड़कन तेज हो रही है। बाइक भी ऐसा बीच रोड के बीच वही बीच रोड पे पार्क किया, अगर किधर अंदर अंदर पार्क करते तो प्रॉब्लम भी होता। ठीक है नो प्रॉब्लम, निकलते। वी केम फॉर द सनराइज लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग सनराइज के लिए आए और वो हो रहा सनराइज, दिख रहा ही नहीं है वो, थोड़ा दिखेगा नहीं, ISO कम करना पड़ेगा, बट वो लक्ष्य था हम लोग का, हम लोग ने हासिल कर दिया। अभी कैमरामैन रोहित अरुण और आशीष मंडल ब्लॉगर के साथ हम लोग अभी बाइक्स के यहाँ पे जा रहे हैं, बहुत सामान भी हो गया हाथ पे, बट ठीक है कंटिन्यू सिनेमैटिक। सॉरी कुत्ते लोग का आवाज़ आ रहा है, बट आपके भाई ने कॉफ़ी का फुल इंतज़ाम किया है, घर से कॉफ़ी बना के लेके आया, सुबह 4 बजे से कॉफ़ी बना रहा हूँ मैं, ये 2 कप्स। अभी सिंस लोग की कमी है, ठीक है अपने झुंड को बुला रहे थे क्या? ओहो अभी तो गर्म है, तो फ्लास्क के तो गर्म ही होगा ना, पॉइंट तो यस। और चाहिए तो ले ले थोड़ा, नहीं नहीं बस बस। चीयर्स फॉर कॉफी विद द व्यू, सर व्यू बताओ व्यू, एंड वैसे सनराइज भी हो रहा है, सनराइज एकदम छोटा दिख रहा है बट विजिबल है थोड़ा। चीयर्स फॉर कैमरामैन, चलते अभी। हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है, मस्त मज़ा आया यार आज, आज वसूल था, रोहित तो फुल खुश हो गया, जो व्यू का उसने इतना मस्त फोटोज़ खींचा है एंड फोटोज़ भी वहाँ पाए। सो यू ऑल कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ द ID एंड 7:40 हो गया, टाइम टू लीव। सो देवी और सजनो, अगर ये पर्टिकुलर ब्लॉग आपको पसंद आया रहेगा सो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करना कि ऐसे ब्लॉग आपको चाहिए, रॉड टाइप के ब्लॉग से एंड थोड़े बहुत सिनेमैटिक डालता हूँ मैं, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो ये ब्लॉग कैसा लगा। एंड एज ऑलवेज दिस इज आशीष मंडल साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम गो चेज योर ड्रीम्स, लिसन टू योर हार्ट, लिव लाइफ किंग साइज बेबी, फॉलो योर ड्रीम्स मैन, सपने सपने होते हैं, मजाक नहीं किसी बड़े यूट्यूबर ने कहा ये।
ओह व्यू देखो भाई, व्यू के पैसे। ओह हो पूरा लोनावाला सिटी दिख रहा है इधर से।